टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को स्क्वायर पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, तो देखिएगा बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, देखिएगा। तो देखिए जरा इसमें, अब मान ली टाइप 1 में हम लिखा जाए ऐसे, अगर जैसे मान ली अगर कहा जाए कि 108 का स्क्वायर निकालिए आप, ठीक, तो आपको क्या करना है सिर्फ देखिए जरा, यहाँ 108 लिखेंगे। अब बताइए ये लगभग किसके नियरेस्ट है, किसके पास है, लगभग किसके पास होगा, 100 के पास है ये, तो यहाँ पे 100 लिख लिया, ये 100 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 प्लस लिख देंगे और नीचे लेंगे 8 का माइनस, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार 108 में 8 ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो कितना होगा ये बताइए ज़रा आप, तो 116 हो जाएगा, ओ 116 लिख देंगे हम, ठीक। और एक बार क्या करना है, माइनस करना है, तो ये कितना होगा, 100 होगा, एक लाइन खींच देना है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इधर दो ही नंबर आना चाहिए आपका, वो 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116, और उसके बाद इस नंबर को यहाँ पर लिख देना है, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक। तो पहला देखिएगा इसमें, एक और एग्जांपल देख लीजिए, अब टाइप 1 में दूसरा एग्जांपल देखिएगा आप लोग, मान लीजिए हमने कहा और इसमें कहा जाए कि 206 का निकालिए स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करिए आप, सबसे पहले देखिए ये वैल्यू किसके पास है, किसके नियरेस्ट है, तो ये 200 के नियरेस्ट होगा, तो 200 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या करिए, कितना ज़्यादा 200 से, 6 ज़्यादा है, तो 6 लिखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 6 हम लोग क्या करना है, कम करना है, ठीक। उसके बाद 6 का हमको स्क्वायर करना है, तो कितना होगा, 36 होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमको, 6 में अब इसमें 206 में 6 ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, तो इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 212 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 206 में से 6 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये जो है आपका 100 समय से डिवाइड करना रहेगा। अब देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा। अब उसके बाद क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 424, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका देखिए स्क्वायर हो गया, ठीक। ऐसे का दो एग्जांपल और देख लीजिएगा, मैं मान लीजिए कहूँ कि 201 का निकालिए आप, चाहे 101 कर लीजिए आप, ठीक। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे पहले यहाँ पे कि ये किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, और कितना ज़्यादा आई है, एक ज़्यादा, और यहाँ पे एक कम कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 2-1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हमको 2 नंबर हमेशा इधर लिखना है, 2 डिजिट का, तो 10 लिखेंगे, ठीक। और इस साइड क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 102 हो गया, और एक बार माइनस करेंगे कितना होगा, 100 हो गया, और 100 से डिवाइड भी कर देंगे, कितना होगा, ये होगा 10201, ये देखिए इतना आसानी से स्क्वायर निकल गया, ठीक। अब ऐसे और देखिए, मान लीजिए हम थोड़ा बड़ा नंबर लें, 502 का स्क्वायर मान लीजिए निकालना हमको, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे यहाँ लिखेंगे 502, ये किसके नियरेस्ट है, ये तो 500 के नियरेस्ट है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 2 कम लिखना हमको, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन हमको 2 डिजिट यहाँ लिखना है, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 504 हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 500 में से 200 माइनस करेंगे तो 500 होगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 00 कैंसिल आउट, उसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×4=20 को 0, और ये 2 हो जाएगा आपका, यहाँ 5×5=25 हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं आप।
मान लीजिए इसमें कहा जाए 508 का स्क्वायर निकालिए आप, तो क्या करेंगे आप 500, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 500, ये अब यहाँ पे लिख देंगे, ये नियरेस्ट 500 क्या है वैल्यू, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा यहाँ पे, और 8 कम करना हमको, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 लिख लेंगे, उसके बाद एक 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 516, और एक बार माइनस करेंगे तो 500 हो जाएगा, अब फिर 100 से डिवाइड करना है सब में, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 00 कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करें 6 5 31 को 0, और ये 5 1 5 5 5 3 8 5 5 25, और यहाँ पे ये लगा देंगे 64, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। That's it.